तो आपने स्टेटमेंट दिया कि ये बिना बंदे के लूटे हैं, तब जिस जाट महासभा को खुश करने के लिए आपने ये स्टेटमेंट दिया, जिन लोगों से हमारी फाइट है वहां पर उनको खुश करने के लिए जो आपने स्टेटमेंट दिया, आप उनसे एक बार पूछिए कि वो सुमित्रा सिंह जी को बिना पैदे का लोटा कह देंगे क्या, जिस दिन को राजपूत आपके सामने खड़ा हो गया जोधपुर से, तो राजनीति करने वाले लोग आपको ढूंढते रह जाएंगे कि गजेंद्र सिंह जी भी हुआ करते थे, और ये आपको एक निमंत्रण है साहब, बाबू साहब ये आपको एक निमंत्रण है। बाकी बची 18 सीटें जनरल, आप इनमें से कहीं से भी आके चुनाव लड़के बताओ, और मजा तो तब आएगा जब आप मेरी उदयपुर वाटी से हमारे सामने चुनाव लड़ोगे, और अगर आप जीत गए तो सदा सदा के लिए ये राजनीति छोड़ देंगे। गजेंद्र सिंह जी बाबू साहब, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आपके सामने सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, जिस समय राजस्थान के सभी मंत्री और विधायकों ने जोधपुर में प्रचार के लिए लाइन लगा रखी थी, और मुख्यमंत्री जी के बोलने के बावजूद कि आप जोधपुर जाइए प्रचार कीजिए, इसके बावजूद कि 2013 में वैभव जी हमारे चुनाव प्रचारों में आए थे, हमारे लिए वोट मांग के गए थे, इन चीजों को नजरअंदाज रखते हुए दादा जोधपुर नहीं आए। और रही बात जोधपुर की, तो गुड्डा गौड़ जी और गुड्डा मेहरोली एक परिवार है, हम राव शेखा के वंशज हैं, और गजेंद्र सिंह जी तेरे बाबू सा लगते हैं। जब उन्होंने ये कहा तो मेरे मन में एक भाव आया आपके प्रति सम्मान का। जब आप यहाँ पधारे तो आपने स्टेटमेंट दिया कि ये बिना पैदे के लौटे हैं, तब जिस जाट महासभा को खुश करने के लिए आपने ये स्टेटमेंट दिया, जिन लोगों से हमारी फाइट है वहां पर उनको खुश करने के लिए जो आपने स्टेटमेंट दिया, आप उनसे एक बार पूछिए कि वो सुमित्रा सिंह जी को बिना पैदे का लोटा कह देंगे क्या, और आप 55 साल के हैं। और तब मुझे एहसास हुआ कि आपने आपकी जिंदगी के जो कागजों में आपने 55 साल की जो आयु आपने दिखा रखी है, आपने आपकी जिंदगी के 55 साल व्यर्थ कर दिए, वो वेस्ट हो गए। और मैं अपने आपको आभारी मानता हूं, एक 17 साल का लड़का मैं 12वीं का छात्र हूं, और मैं आपको ये राजनीति ज्ञान दे रहा हूं आपके गृह जिले और आपके गृह शेखावाटी के बारे में। आप वहां के बेटे हैं, मैं वहां का बेटा हूं, और एक 17 साल का लड़का आपको ये ज्ञान दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आपके जो राजनीतिक करियर, 2 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री, आपको मुझे ज्ञान देना पड़ रहा है, आपको तो राजनीतिक सब आपकी तो जो जिंदगी के जो वर्ष आपने जो बिताए हैं व्यर्थ है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर से आप, जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर से आप आते हैं, उसमें 5 लाख से ज्यादा राजपूत मतदाता है, और भला हो उन भोले वाले लोगों का, उन सीधे लोगों का, कि आपके जैसे व्यक्तित्व को जिसे ये नहीं पता, जिन्हें बाबू साहब आपको ये नहीं पता कि आपकी शेखावाटी की राजनीति व्यक्तित्व क्या है, आपकी शेखावाटी की राजनीति क्या है, आपको इसका एक तजुर्बा नहीं है, उन्हें वो सांसद बनाते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जिस दिन को राजपूत आपके सामने खड़ा हो गया जोधपुर से, तो राजनीति करने वाले लोग आपको ढूंढते रह जाएंगे कि गजेंद्र सिंह जी भी हुआ करते थे, गजेंद्र सिंह जी सांसद हुआ करते थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2008 की बात है, हमारे बारे में थोड़ा सा राजनीतिक ज्ञान देना चाह रहा हूं, मेरे दाता के बारे में, शायद आपको नहीं है, शायद आपको नहीं होगा। कांग्रेस की टिकट से हमारे सामने राजपूत कैंडिडेट था, देश की महामहिम प्रतिभाजी पाटिल उस वक्त, उस समय 3-3 बार हेलीकॉप्टर से आकर
और उनका प्रचार करके चले गए। तीन तीन बार देश के राष्ट्रपति आकर उनका प्रचार करके चले गए और उस चुनाव को हमने चेपा था, हमने। मैं आजकल सुनता हूं कि आप मुख्यमंत्री की दौड़ में है, मेरे दाता तो नहीं है। आपकी और हमारी लड़ाई क्या थी? आप मुख्यमंत्री की दौड़ में है साहब, मेरे दाता नहीं है। आपके और हमारा, आपकी और हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक छोटा सा ज्ञान और देना चाह रहा हूं आपको कि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ता है। और ये आपको एक निमंत्रण है साहब, बाबू साहब, कि आपको एक निमंत्रण है कि आप शेखावाटी के अंदर 21 सीटें, जुनू सीकर शुरू 21 सीटें, इनमें से 3 शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, बाकी बची 18 सीटें जनरल की। आप इनमें से कहीं से भी आके चुनाव लड़के बताओ। और मजा तो तब आएगा जब आप मेरी उदयपुर वाटी से हमारे सामने चुनाव लड़ोगे, और अगर आप जीत गए तो सदा सदा के लिए ये राजनीति छोड़ देंगे, सदा सदा के लिए। खाती को छोलेड़ो पर भाई को बोलेड़ो, आला का वास्ते लगा दे आला के।